नमस्कार दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने जा रहा है। इसकी वजह से हम करोड़ों अरबों वर्ष पहले देख सकेंगे, जिससे एक्सोप्लैनेट, गैलेक्सीज, स्टार्स का निर्माण, स्टार्स का अंत, ऐसी बहुत सारी चीजों को समझने में मदद करेगा, जिससे हमें पता चल सकेगा कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। साफ सिंपल लैंग्वेज में हम यह बोल सकते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम पास्ट में देख सकेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप को एरियन 5 रॉकेट द्वारा फ्रेंच गुयाना से 25 दिसंबर 2021 को 12:20 पर नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला था। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप का कुल वजन लगभग 6.5 टन व इसका व्यास 290 मीटर का है। यह पृथ्वी से तकरीबन 115 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहेगा और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। दोस्तों, इस टेलीस्कोप के मिरर के ऊपर एक गोल्ड बॉल साइज जितना सोना लगा हुआ है, यानी सोने की परत चढ़ी हुई है, जिसकी मदद से वह इंफ्रारेड लाइट की मदद से आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को प्रोसेस करके और अधिक स्पष्टता के साथ किसी भी ग्रह की विविधता को दिखाने में मदद करेगा। यह हमारे सौरमंडल के बाहर एक्सोप्लैनेट पर जीवन में पानी की खोज करेगा, शायद हमें कोई एलियन लाइफ मिल जाए। इस टेलीस्कोप में एक इंफ्रारेड कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है, जो ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्लैनेट ढूंढने में मदद करेगा, एवं यह ढूंढने में नहीं बल्कि उसकी बनने की प्रक्रिया को समझने में भी मदद करेगा। टेलीस्कोप की मदद से 0.16 से लेकर 28 माइक्रोन तक के इंफ्रारेड रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया जा सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप का नामकरण नासा के एडमिनिस्टर के नाम पर जेम्स वेब के नाम पर किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने स्पेस के कुछ फोटोज को खींचा है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इनमें से एक फोटो 13.3 बिलियन ईयर ओल्ड की है। जो इस तस्वीर में दो स्टार दिख रहे हैं, इनमें से एक अपने अंतिम चरण यानी अपनी जिंदगी के अंतिम सांस से गिन रहा है। इनके द्वारा छोटी गई डस्ट जो इनके आसपास क्लाउड का निर्माण कर रही है, उसे नेबुलास कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो करते हैं एंड, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।